चैप्टर 4 है। आज मैं उसी कॉज के चैप्टर के सिलसिले में और आगे बात करूंगा, जिसमें मैंने कल के लेक्चर मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बताया। आज उसी पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही साथ कॉस्ट के और फर्दर क्लासिफिकेशन हैं जिन्हें आज समझना जरूरी है। वैसे तो तीन ही क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 10 तरीके का क्लासिफिकेशन है जो हमें समझना जरूरी है। जिसमें पहला है एलिमेंट्स के बेसिस पे। एलिमेंट्स मैंने आपको कल ही बताया था, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें मैंने तीनों एक्सप्लेन भी दिया था। अब आज मैं आपको फंक्शन के बेसिस पे बताऊंगा कि फंक्शन के बेसिस पे आपके कौन कौन से कॉस्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें मेन हमारा आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या कहलाता है वो। यानी ये हुआ कि जब हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे जो कॉस्ट आती है वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि बिना प्रोड्यूस किए हुए हम कैसे अपने गुड्स को जो है मार्केट में ले जाएंगे और वहां उसको सेल के लिए रखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्राइम कॉस्ट का होना जरूरी है। प्राइम कॉस्ट इस अगर हम एकदम शॉर्ट वे में समझे तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होगा ऐसे कॉस्ट, प्राइम मतलब होता है मुख्य यानी मेन कॉस्ट। तो मेन कॉस्ट से इतना सा मतलब है, सीधा सा मतलब कि हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उस कन्वर्जन के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो प्राइम कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। फैक्ट्री कॉस्ट में आपकी पैकेजिंग है और फाइनल उसका लेआउट है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि प्राइम कॉस्ट में तो लगभग वही है, लेकिन प्राइम कॉस्ट में मेन चीज होती है आपका रॉ मटेरियल खरीदना और उसे प्रोसेस कराने के लिए आगे भेजना। लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट में ठीक उसी की बात का प्रोसेस है, जिसमें आपके प्रोड्यूस गुड्स को फाइनल पैकेज किया जाता है और उसे डिस्पैच किया जाता है। ठीक, ये इसका सब्सिडियरी फंक्शन है जो उसके बाद आता है। तीसरा है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट का मतलब है ऐसे कॉस्ट है जो कि हमारे प्रोड्यूस को यानी जो हमने बनाया है बेचने के लिए उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर हाउस करके रखते हैं, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो उस रिकॉर्ड कीपिंग में कोई एक बंदा तो उसे शुरू कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है हम सभी जानते हैं कि ऑफिस में कोई एक स्टाफ काम नहीं करता, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं और उनकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज होती है। जब ड्यूटीज अलग है तो जाहिर सी बात है वो ऑफिस ऑफिशियल वर्क में ही रखा जाएगा। ऑफिशियल वर्क में आपका मेन चीज है एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी होती है और जो आपने प्रोड्यूस किया है मतलब बनाया है उसका स्टोरिंग होती है। तो इस वजह से ऑफिस कॉस्ट उसे कहा जाता है। ये जान लीजिए आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक बहुत सारे कॉस्ट मिलते हैं जो कि अपने अपने अलग अलग नेचर से होते हैं। तो अब मैं अगले कॉस्ट की बात करता हूं जो कि है टोटल कॉस्ट, यानी इन तीनों को मिला के जो कॉस्ट बनता है वो होता है टोटल कॉस्ट। आप इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए तब आपको ये बनता है, यानी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल यानी प्राइम कॉस्ट जुड़ा, फिक्स कॉस्ट जुड़ा और आपका ऑफिस कॉस्ट जुड़ा, तब आपको ये जाकर के टोटल कॉस्ट बनता है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड है, अब मैं वेरिएबिलिटी की बात करता हूं। तो जब आप इतना देखा इसको मैंने बाहर समझाया, अब मैं बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट में आपके मेनली तीन आते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है
जिनका नेचर ही फिक्स होता है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। मर्जी का सेंस है कि जितना हमें जरूरत है हम उतना ही खर्च करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। एज लाइक लेबर हुआ और रॉ मटेरियल की परचेजिंग हुई, हम उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है। और तीसरा है सेमी वेरिएबल, जिसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेमी वेरिएबल का मतलब हुआ जैसे लैंड का रेंट फिक्स है लेकिन हमेशा उसी पे हम उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोड्यूसिंग करते रहते हैं। दूसरा है मोबाइल कॉस्ट, यानी पहले के जमाने में हमारे पास जो लैंडलाइन बेस्ड फोन हुआ करते थे उसमें हमें एक फिक्स चार्ज देना पड़ता था, उसका एक तरीके से रेंट जिसे कहते थे, लेकिन हम जितनी कॉल करते थे हम उतने का ही बिल चुकाते थे। और वो कॉल अगर इंटरनेशनल कॉल हुई तो ज्यादा पैसे लगते थे, नेशनल कॉल होती थी तो कम पैसे लगते थे। ये आपने भी देखा होगा और इसको अच्छे से एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो अगर हम इसके वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर, मैंने आपको वेरिएबिलिटी के बेस पर बता दिया। अब नेक्स्ट है और लास्ट है इसका, इसके बाद बाकी चीजें कर डिस्कस होंगी। अगला है आइडेंटिफिएबिलिटी, यानी ऐसे कॉस्ट जिन्हें हम आइडेंटिफाई करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे कॉस्ट में आप क्या आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, पहला डायरेक्ट कॉस्ट आपके वो कॉस्ट हैं जो सीधे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी वो आपके प्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं आपको, जिसमें आपके लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट कॉस्ट में जाती हैं, यानी ये आपके सीधे सीधे रिलेट करती हैं रॉ मटेरियल परचेजिंग, फिर लेबर हायर करना, मशीन हायर करना और इन सब सारे इनपुट्स को यानी एसेंशियल्स को फैक्ट्री में ले जा करके उस रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करना। फिर है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो नहीं होते। इनमें मेन आपके ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिनको आप इसके असिस्टेंस में खर्च करते हैं, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके वो कॉस्ट है जैसे सैलरी हो गई, वेयरहाउस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया एटसेट्रा, ये सब आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए किया जाता है। तो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात बताई मैंने, हमारे अगले वीडियो में मैं इसके आगे जाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।